बिहार में मनाया गया भाजपा का 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि पार्टी के लिए आस्था का मूल मंत्र। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर राज्य भर में शोक की लहर। कल सुबह चेन्नई से पार्थिव शरीर लाया जाएगा रांची, लोग कर सकेंगे दर्शन, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। 2 साल पहले 2 मासूमों समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। और हनुमान जयंती पर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुबह से ही श्रद्धालुओं के मंदिरों में दिखी भीड़, जगह जगह निकली शोभा यात्रा, आंजन धाम भी पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का मूल मंत्र है। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। देश भर में आज भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के सभी जिलों, मंडल एवं बूथों के अध्यक्षों ने पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ मिलकर पार्टी का ध्वज लगाया। राज्य स्थित कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ध्वज लगाया। इस दौरान संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा समेत तमाम वरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर श्री प्रकाश ने कहा कि भाजपा के 43 वर्ष संघर्ष, सफलता और राष्ट्र सेवा से परिपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी की 44वां स्थापना दिवस है, हम इसको वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। और भारत के राजनीति में 6 अप्रैल 1980 को एक राजनीतिक दल का जन्म हुआ था जो समाज के हित के लिए, देश के हित में और अंत्योदय के सपनों को साकार करने में लगातार लगी हुई है। और इस अवसर पर लगातार पूरे प्रदेश में जहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में ध्वज फहराएंगे और ध्वज फहराने के बाद भारत माता का आत्मसात करते हुए समाज की सेवा का भी संकल्प लेंगे। खूंटी के भाजपा जिला कार्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं ने संबोधन का सीधा प्रसारण देखा। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने लंबे अरसे तक देश में शासन किया, आज उनके पास विषय नहीं है, वे सिर्फ बाधा उत्पन्न करके भारत की रचनात्मक पहल को रोकने का काम कर रहे हैं। शासन किया, आज उसके सामने भूलने का विषय नहीं है,
वो सिर्फ बाधा उत्पन्न करके भारत के रचनात्मक पहल को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब दुनिया के सामने भारत आज उभरता हुआ भारत दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या से उलझी हुई भारत, जम्मू और कश्मीर से उलझी हुई भारत, सीमा क्षेत्रों के तनाव से उलझी हुई भारत, आज निकलता हुआ नया सूरज उग रहा है भारत की धरती से, ऐसा दिखाई देने वाला भारत में आज लोग व्याकुलता के साथ भारत में चल रहे हैं। उधर जमशेदपुर में भी पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले में दो स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शीतला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय में डॉ दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस मौके पर श्री दास ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जो राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी कि करोड़ों कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन था और आज भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन को देश के करोड़ों कार्यकर्ता आज खुशी और उत्साह से आज हम सब मना रहे हैं। आज हम सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, विश्व के सबसे चर्चित और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मार्गदर्शन मिला। आज हम कह सकते हैं कि जिस सोच से डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन्होंने पार्टी बनाई कि एक ऐसा पार्टी जो देश को स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की ओर ले जाए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज के दौरान चेन्नई में आज निधन हो गया। 56 वर्षीय श्री महतो को तबियत खराब होने के बाद पिछले महीने 14 मार्च को रांची से एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया था। उनके निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्य सरकार ने श्री महतो के निधन पर उनके सम्मान में आज और कल दो दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर विशेष विमान से रांची लाया जाएगा। एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय हरमू ले जाया जाएगा, जहां आम लोग उनका दर्शन कर सकेंगे। श्री महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जगन्नाथ महतो के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। राज्यपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जगन्नाथ महतो जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विधानसभा परिसर में जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक प्रकट किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शोक जताते हुए कहा कि पार्टी और राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हम लोगों का साथी, आंदोलन का साथी, आंदोलन के अगुवा नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। आप लोगों को पता ही है कि पिछले दिनों उनका फेफड़ा का प्रत्यारोपण हुआ था और उसी के क्रम में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। और इस निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से ही अत्यंत दुखी हूं और इस राज इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी जगन्नाथ महतो के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका थी। खूंटी में सरहुल महोत्सव में शामिल होने आए श्री मुंडा ने इस दुखद खबर के बाद आयोजकों से खेद प्रकट किया। पर यहां आने के बाद जो सूचना मिली, राज्य के मंत्री, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का अकस्मात निधन हुआ और राजकीय शोक घोषित की गई, और इसलिए
ये उत्सव तो हमारा बहुत ही आत्मीय संबंधों को और प्रकृति का अनावरण करते हुए मनाने का है, पर इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि जब राज्य में राजकीय शोक है तो स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात के लिए दुखी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जगन्नाथ महतो के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। आने वाली राजनीतिक पीढ़ी को उनके लंबे राजनीतिक जीवन से सीख प्राप्त होगी। जगन्नाथ महतो के निधन पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा कि जगन्नाथ जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री उरांव ने उनसे जुड़ी यादें भी साझा की। उनके विभाग से अपने देख देख में जो पॉलिसी बनाते बनवाते अच्छी अच्छी पॉलिसी उनके समय में बने थे और व्यक्तिगत अगर पूछेगा तो मैं वो क्षण याद करता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा कि वो 11वीं क्लास में एडमिशन लिए, मैं तुरंत फोन लगाया कि जगन्नाथ जी ऐसा हिम्मत तो किसी दूसरे में नहीं, 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं मतलब आप मैट्रिक पास हैं, 10वां पास हैं। ये कोई नहीं कहता, जो 10वां पास है वो कहता है हम बीए हैं एमए हैं क्या क्या बोलता रहता, अपने को बढ़ा के बोलता है, लेकिन एडमिट कर रहे हैं आप, स्वीकार करते हैं आप 10वीं पास ही हैं, अगर भी पढ़ना चाहते हैं लालसा है पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की लालसा आपको इच्छा है, ये सराहनीय है, प्रशंसनीय। शिक्षा मंत्री के निधन पर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा कि इस समय हम लोगों के बीच से जगन्नाथ जी चले गए, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये एक आवाज थे, झारखंड के एक पहचान थे और ऐसे हमारे जुझारू जो आंदोलनकारी नेता थे, इनके जुझारूपन के कारण ही इन्हें झारखंड बनने के पहले से ही एक राज्य की जनता ने इन्हें टाइगर की से संबोधित करना शुरू किया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी शिक्षा मंत्री के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। और आज पीछे तो हमने अपूर्णीय क्षति है और वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं संस्था के रूप में जाने जाते थे हमारे जिले में और पूरे राज्य में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की राजनीति में एक अध्याय समाप्त हो गया है। वो अकेला ऐसा नेता थे जो मूलतः झारखंडी फ्लेवर के नेता थे, जिसको पूरी तरह से झारखंडी थे, टाइगर कहा जाता था जब इनका निधन सिर्फ कैबिनेट का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि झारखंड आंदोलनकारी का गीता जागता तस्वीर। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि आदरणीय जगन्नाथ महतो जी के निधन की खबर से आहत हूं। वे जुझारू तेवर और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनका समय जाना झारखंड की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। झारखंड आंदोलन के और आंदोलन में शामिल लंबा संघर्ष फिर राजनीतिक जीवन का प्रारंभ और कोविड के बाद से लगातार एक मंत्री के रूप में काम करने के बाद संघर्ष किए जीवन के लिए, कभी भी अपने शरीर के अंदर अपनी गंभीर बीमारी की चिंता झलकने नहीं दी और एहसास करने नहीं दिए। ये अपूर्णीय क्षति और अब बात संसद सत्र की। 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में बराबर व्यवधान हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक तरह से आज अंतिम दिन भी नहीं चल पाई। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही के बाधित होने पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने
बहुत गलत तरीके से सदन को बाधित किया। कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है देश देख रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री को गाली देते देते पूरे ओबीसी समाज को गाली देने लगे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सांसदी चली गई। देखिए, चर्चा होती तो आता कि जीएसटी 18 लाख आ गया, चर्चा होती तो आता कि डायरेक्ट टैक्सेस 16-17 लाख आ गया जो उनके जमाने में नहीं था, चर्चा होती तो चर्चा होता कि एक्सपोर्ट 750 बिलियन का हो। तो ये चर्चा नहीं होने देना मोदी जी के विकास का, तो मोदी जी को गाली, मोदी जी एक बहाना है अदानी अंबानी, लेकिन मोदी जी को गाली देना है और संसद को ग्रैब करके रखना है, लोकतंत्र को अपमान करना है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें मिली अंतरिम राहत को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है। अब अदालत पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा ने आज अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समीप धरना दिया। इस धरना में राज्यभर के शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में आंदोलनरत शिक्षकों ने अपने मुद्दे मीडिया के साथ साझा किए। 5-6-6-7 वित्तीय वर्ष से झारखंड में वित्त रहित जितने भी इंटर कॉलेज हो, हाई स्कूल संस्कृत मदरसा को अनुदान देती थी जो नियमानुकूल देती थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 22-23 में वे विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके करीब 60% संस्थानों को अनुदान से वंचित कर दिया है। उसी को लेकर के हम लोग आंदोलनरत है। और भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर आज धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बजरंग बली के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कुंटी के सौदे गांव स्थित सीआरपीएफ कैंप में नवनिर्मित बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां कलश यात्रा भी निकाली गई। गुमला के आंजन धाम में भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। मान्यता है कि यहां माता अंजनी ने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया था। यहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। गुमला स्थित आंजन धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पूजा अर्चना की। श्रद्धालु द्वारका मिश्र और शैलेश कुमार कहते हैं कि हमारे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि हनुमान जी का जन्म इस पावन भूमि में हुआ था। आज यहाँ श्रद्धालु अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, काफी धन्य महसूस कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके माता अंजनी यहाँ निवास करती थी और उन्होंने ही अपने पेट से महावीर हनुमान को जन्म दिया। धन्य यह धरती। गुमला से इतना नजदीक हम लोगों को इतना पुण्य धाम आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर ये खुद हनुमान जी का ही जन्म स्थल है, तो उससे बढ़कर और पावन जगह और पवित्र जगह तो सर्वस्व कहीं हो ही नहीं सकता। यहाँ के पुजारी केदारनाथ पांडे का कहना है, हनुमान जी के जन्म उत्सव पर यहाँ श्रद्धालुओं की हर साल भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह से ही भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचने शुरू हो जाते हैं। महावीर जयंती के रूप में यहाँ पर भव्य दर्शन भी हो रहा है और भीड़ माता
आंजनेय और हनुमान जी का पूजा के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई है। आंजन धाम में माता अंजनी अपने गोद में हनुमान जी को लिए हुए विराजमान है। मान्यता है कि माता अंजनी ने पवन पुत्र हनुमान को यहीं जन्म दिया था। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। दो साल पुराने मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। दरअसल 12 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के तीस्ता रोड में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। आज इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 4 की अदालत ने आरोपी टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक कुमार सिंह को फांसी की सजा सुनाई। जिसमें अभियुक्त दीपक कुमार पर यह आरोप था कि उसने सोए अवस्था में अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों, वो लोग भी सोई थी जिसकी उम्र 8 वर्ष और 14 वर्ष थी, उन दोनों की चाकू से गोद कर और हथौड़ी से मार के हत्या कर दी थी। साथ ही उसकी छोटी बेटी की जो ट्यूटर थी, जो कि पढ़ाने आई थी, उसके साथ उसने बलात्कार किया और उसकी भी हत्या करके उसके शव को बॉक्स पलंग के अंदर छिपा दिया था। इस केस में 25 गवाहों की गवाही हुई थी और दीपक कुमार को 302 हत्या, बलात्कार और चोरी के आरोप में दोषी किया गया था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और एडीजे फोर्स के न्यायालय ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला पाया और 302 भादवी के अंतर्गत दीपक कुमार को मृत्युदंड की सजा दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के पसंदा स्थित ग्राम प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता सुजीत कुमार राणा को एसीबी की टीम ने आज 15,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गांव के तालाब में स्नान घाट निर्माण योजना के बिल भुगतान के एवज में परेश सोरेन से उन्होंने 40,000 रूपये की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत सोरेन ने एसीबी से की। एसीबी ने इस शिकायत को सही पाया और फिर पूरी टीम ने आरोपी को धर दबोचा। कुड़मी समाज का आंदोलन फिर तेज हो गया है। 5 अप्रैल को की गई अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की घोषणा के तहत दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। आंदोलन की वजह से कई दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया, जबकि दर्जनों ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रांची के होटवार के गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए 13 अप्रैल को चयन ट्रायल होगा। राज्य अंडर 17 सब जूनियर बालक फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और बालिका फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता के लिए टीम चयन के वास्ते ये ट्रायल किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले पहलवान 16 से 18 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बात मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा है। सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर में दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया कि 9 अप्रैल को कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 37.1 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है और जो मुख्य शहरों के जो उच्चतम तापमान पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं, रांची में 32.8, जमशेदपुर में 37.1, डाल्टनगंज में 36.7, बोकारो में 36.1, चाईबासा में 36.8, देवघर में 35.9, गिरिडीह में 34 डिग्री, गढ़वा 35.8, रामगढ़ में 34.3, सिमडेगा में 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं आने वाले 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान की। तो 6 से लेकर 10 तारीख तक जो झारखंड में है मौसम शुष्क रहेगा। एक दिन 9 तारीख को थोड़ा संभावना है हल्का, बहुत हल्का बारिश का, खासकर दक्षिण पश्चिमी उससे सटा हुआ मध्य भाग का। बाकी 6, 7, 8 और 10 झारखंड मौसम शुष्क रहेगा। 9 तारीख बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 21.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस
रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय संगठन मंत्री संदीप कविश्वर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने श्री मुंडा को जनजातीय समाज के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक 3 अंतर्गत बिरसा नगर में बन रहे आवासों के लॉटरी के माध्यम से 696 लाभुकों के बीच आवंटन किया गया। इसमें दिव्यांग जन एवं वरिष्ठ नागरिकों को भूतल में 62 तथा सामान्य वर्ग में 631 लाभुकों को प्रथम से छठा तल्ला में आवास आवंटित हुए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। उपायुक्त ने बताया कि आयुष्मान मिशन के तहत जिले में 88 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। देवघर पुलिस ने करीब 21 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप को खपाने के लिए देवघर ला रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन सेल के तत्वावधान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए राज्य स्तरीय बैठक हुई। नोडल ऑफिसर डॉ. लाल मांझी ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य निजी क्लिनिक एवं निजी स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य प्रणाली में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना है। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बड़ा नावाटांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से 56,575 रुपए लूट लिए। इस संबंध में बंधन बैंक स्टील गेट के कलेक्शन एजेंट पंकज कुमार राय ने गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लातेहार के महुआ डांड थाना क्षेत्र के भेड़ी गंजार ग्राम में डायन बिसाही के आरोप ने वृद्ध दंपत्ति का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ राजेश कुजूर ने ये जानकारी दी। नगर विकास विभाग झारखंड के नगर निवेशक गजानंद राम को भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का उपाध्यक्ष चयनित किए जाने पर प्रसन्नता जताते हुए झारखंड चेंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री और आर्किटेक्ट अरुण कुमार ने मिलकर उन्हें बधाई दी। साहिबगंज में चैती दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने जुलूस में पत्थरबाजी की। इस कांड में 35 से अधिक लोगों को नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। खूंटी में डायन के शक में महिला से पिटाई का मामला सामने आया है। तमाड़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट हुई है और डायन बताकर एक महिला को पीटा गया है। इसे लेकर तमाड़ थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत पूरे देश भर में मनाया गया भाजपा का 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि पार्टी के लिए आस्था का मूल मंत्र। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर राज्य भर में शोक की लहर। कल सुबह चेन्नई से पार्थिव शरीर लाया जाएगा रांची, लोग कर सकेंगे दर्शन, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। 2 साल पहले 2 मासूमों समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। और हनुमान जयंती पर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में दिखी भीड़, जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा, आंजन धाम भी पहुंचे श्रद्धालु।